क्या हुआ जब बर्फबारी के 400 साल बाद खोले गए केदारनाथ मंदिर के दरवाजे और अंदर का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। केदारनाथ मंदिर अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। इन रहस्यों से पर्दा उठेगा आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भक्ति शास्त्र। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। आठवीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और सन 1300 में राजा भोज ने इसका जीर्णोद्वार करवाया था। और जब ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था तो सन 1300 में हुआ कुछ ऐसा जिस घटना ने भक्तों को 400 वर्षों के लिए दूर कर दिया। सन 1300 से सन 1700 तक के समय को एक छोटा हिमयुग माना जाता है, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था और उसमें केदारनाथ मंदिर भी शामिल था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। जब 1300 में यहाँ बर्फबारी हुई थी तो पूरा केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दबा हुआ था। किसी भी भक्त को यहाँ आने के आदेश नहीं थे। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी थी कि इस स्थान पर भी ज्यादा जल प्रलय और बर्फबारी की संभावनाएं हैं। इस घटना के 400 साल बाद सन 1700 में इस हिमयुग का समापन हुआ और जब मंदिर पर से बर्फ हटी तो बर्फ के अंदर से केदारनाथ मंदिर का भव्य नज़ारा भक्तों को दिखाई दिया। सभी लोग बहुत ही हैरान थे क्योंकि 400 साल तक बर्फ में रहने के बावजूद भी मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ था। जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो अंदर का नज़ारा तो और भी चौंकाने वाला था। वो मंदिर अंदर से पूरी तरह से साफ था, मानो कल ही किसी ने पूजा करी हो। और एक दीपक जो लगातार जलता रहा वो उस दिन भी चल रहा था, मानो वो दीपक पिछले 400 वर्षों से बुझा ही ना हो। बाबा केदारनाथ का ऐसा चमत्कार देखकर सभी के होश उड़ गए, जिसके बाद लाखों करोड़ों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आने लगे। परंतु 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने एक बार फिर से कहर बरसाया। जल प्रलय से बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर का फिर से बाल भी बाका नहीं हुआ। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही आकर रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल दो भागों में विभाजित हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। परंतु इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। वास्तव में दोस्तों, केदारनाथ मंदिर अपने ही अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, लेकिन वो आज तक मंदिर का बाल भी बाका नहीं कर पाई है। ये महादेव का ही चमत्कार है जो हमें एहसास दिलाता है कि भगवान का अस्तित्व आज भी है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।